अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अशरफ और आज बेसिकली मैं रमज़ान भाई के पास मौजूद हूँ। रमज़ान भाई की एक वीडियो पहले भी आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों का हुक्म था कि इनके पास जाएँ, मज़ीद इनकी एक या दो एक वीडियो जितनी बनती हैं बनाएँ, इनकी जो बड़ी बकरियाँ हैं वो भी चेक करवाएँ, ठीक है, और उसके अलावा कुछ सेल वाले जानवर हैं वो भी दिखाएँ, क्या वो बड़ी बकरियाँ सेल करते हैं। उसके अलावा कुछ और चीज़ें रमज़ान भाई से आज पूछनी है, क्या वो चरवाई वाला जानवर होता है ना, क्या वो छोड़ लेते हैं सात बकरियों में, और उसके अलावा मैं इनके और भी डिफरेंट इनके तरीके होते हैं जानवर की चराई के, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में पूछेंगे। तो वीडियो ना काफ़ी इंफॉर्मेटिव, जानवर भी दिखाएंगे, इंफॉर्मेटिव भी होगी, शौक भी होगा, सेल भी होगा, हर चीज़ होगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, रमज़ान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इनके जो मैंने आपको वीडियो का बताया ना बेसिकली बस सारी चीज़ें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान भाई ऐसा चल थोड़े जी। अच्छा रमज़ान भाई, माशाल्लाह तारी एक वीडियो पहला आई थी तो लोगों ने बहुत प्यार दिता, प्यार इस वजह दिता कि गल्लां आपस सच्चियां कीतियां। हां जी हां जी, बिल्कुल, आपा गल सच्ची करनी, झूठी गल करन दा फायदा ही कोई नहीं आपा नूं। गुड हो गया रमज़ान भाई। रमज़ान भाई दोस्तों का फिर हुक्म सी कि रमज़ान भाई को जाओ उन्हां दी जिहड़ियां वड्डियां बकरियां या जो भी टोटल माल है ना एक दफा वो दिखाओ, क्योंकि पिछली वीडियो च आपा सिर्फ जिहड़ियां छोटे जानवर दिखाए सी, तो अज आप उन्होंने इंशाल्लाह वड्डियां बकरियां भी चेक करवाने हैं, तो क्वालिटी क्वूलिटी भी दसने हैं। तो होर रमज़ान भाई कुछ सवाल से मैं पूछने, मेरे को दोस्त ना मेरे परसनली मैंने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके कहते हैं कि सर असी ना जानवर चराई चरुई तो भी छड़ना होंगे। कोई मसला नहीं भाई, जिन्हें मर्जी जानवर छड़ांगे कोई मसला ही नहीं। आप चराई तो भी छड़ सकते हैं, ठीक हो गया रमज़ान भाई। अच्छा रमज़ान भाई, चराई तो अलावा भी कोई जानवर छड़न के होर तरीके तुम्हें पता हो या जो होंगे छड़ दे? जानवर दया रहे तो भी बंदा छड़ सकता है, एक जानवर लिया एक मिसाल तुम देने लगा। हाँ जी हाँ जी। जानवर लिया 10,000 का, ठीक है, कल शाम शुम के सेल किया 20,000 का। हाँ जी, 10,000 जिंदा है उन्होंने दे के बकाए रदो अद, ठीक है, टक हो गया। हाँ जी। ते दिहारे का बच्चों के आते भी होंगे? हाँ, बच्चों के आते भी हो जाते हैं, चराई वाला सिस्टम होंगे। तो रमज़ान भाई तुम तिने कर लोगे, ठीक है। तो बस ये अच्छा रमज़ान भाई, ठीक है, आप गल दस दी, अपना एड्रैस भी एक दफा दसो। साहिवाल कादराबाद, कादराबाद अड्डा। हाँ जी, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर बोल लो। 0348 23 55 140 140। गुड हो गया रमज़ान भाई। अच्छा रमज़ान भाई, काम वाली चीज़ा गल्ला आप कर लिया, तो रमज़ान भाई ए बकरी माशाल्लाह मैं दिखा रहा, काफ़ी लंबा कद है, काफ़ी हाइट वगैरह अच्छी है। चलो इनकी नस्ल केड़ी है जी? प्योर बीतल चीज़ है, ठीक है। रमज़ान भाई कद इनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, इनकी उम्र कितनी होनी है? उम्र है नहीं, 3 साल। 3 साल, गुड हो गया रमज़ान भाई, ठीक है माशाल्लाह। रमज़ान भाई बकरी काफ़ी वेटर टाइप है, मीन के चंगा कद काठ है बकरी, तो ताड़ी माशाल्लाह गर्दन के कोल इनकी गर्दन आ रही है। हाँ जी हाँ जी। तो इनके कोई बच्चे वगैरह ताड़े को वास्ते मौजूद हो? नहीं, बच्चे सेल कर ले। सेल कर ले। ये हुण इहदे क्रॉस हुई है? हाँ, क्रॉस हुई है थोड़ी देर में। किन्ने के मीन के दिन हो गए उन्हें? इन्हों है 15-20 दिन हो गए। मीन के हजे कन्फर्म नहीं कि कब? हाँ ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा जहा। अच्छा रमज़ान भाई, जानवर पिछली दफ़ा आपां तुहाडे सेल वाले दिखाए सी, हुण आ चीज़ माशाल्लाह प्यारी है, अच्छी चीज़ है, देखने वाले बंदे नूं पहचान होएगी तो कहेगा चीज़ बिल्कुल अच्छी है। इंदा सर बकरा तुसीं क्रॉस केड़ा करवाया सी अजकी? बकरा मेरे मां च फिरदा था, ठीक है, वो दोस्त लैण दा लै के ही बच्चे। अच्छा रमज़ान भाई, बकरा ठीक है, वो क्रॉस करा लिया, वो बाद इहदे जिहड़े बच्चे हुण बकरी ने देने ने बेशक इंशाल्लाह खैर सलामती सुवेगी, तो वो बच्चे तुसीं सेल करने करने ही करने, कोई मसला ही नहीं, मंडी भी करने हैं तो आप इत्थे आम ही करांगे, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। तुसीं इहदा मीन कि बकरियां दे बच्चे भी सेल कर सकदे, ठीक है। अच्छा काफ़ी दोस्त ना इन कोई नहीं छड़ दो, हुण आपां बकरा चेक कराना, काफ़ी दोस्त मैनू कहंदे ने कि यार बच्चे बकरियां दे नहीं सेल करने चाहिए, लेकिन चलो हुण आपां गरीब बंदे, अपना तो रोज़गार ही है, तो हुण आपां हुण किन्नी केयर कर सकने हैं? ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸ ਕਮ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਸੇਲ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਗੈਰਾ ਸੇਲ, ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਾ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜੇ, ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? 2 ਮਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰੀਦਾ, 2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। तो व्यूअर्स ये अच्छा इस बकरे को क्रॉस कराई थी जी? इस बकरे को, ठीक है जी। ए बकरा अशरफ गुज्जर साहब के रेवट में एक दफा दिखा चुके हैं। हां जी, ये बकरा मेरा हैगा, अशरफ साहब मेरे चाचू ने उन्होंने कोल क्या सी बकरियां वास्ते, सी ना जेड़े 2-3 रेवट साडे, हां जी, बकरा एक ही छड़ना हुंदा सी। गुड हो गया रमजान भाई, माशाल्लाह जी। व्यूअर्स मैं इसकी ना एक या दो वीडियो मैं इस बकरे को भी लेके आ चुका हूं, तो उसमें मैंने आपको इनके दिखाया भी था एक वीडियो में, स्पेशली दूसरे चैनल पर भी मैंने दिखाया था। रमज़ान भाई की मज़ीद भी बकरियाँ आ रही हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ और बाद में इंशाल्लाह वीडियो के एंड में ना रेवड़ में भी जाएंगे, रेवड़ टोटल भी चेक करेंगे। अच्छा भाई बकरा इधर ले जी, इतने कोई कीड़ियाँ वगैरह की टप दे क्यों?
ਠੀਕ ਆ ਮੱਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੰਗ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕੁ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ 2 ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਈ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਸੀ ਕੀਮਤ ਲੋ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਛੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਕੁ ਕੱਢੋ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਾ ਖਾਵੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੀ ਓਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣਾ ਆਪਾਂ ਓਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਮੰਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਪੱਠ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਠ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੋਈ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓਗੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੀਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਝੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈਆਂ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਉਹ ਰਬੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਅਭੀ ਇਸਕੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਕੇਜੀ ਕੇ ਕਰੀਬ ਦੂਧ ਹੋਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹਵਾਨਾ ਪਕੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਔਰ ਜਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਕੇ 6 ਜਾਂ 7 ਵਜੇਗੇ ਨਾ 2 ਕੇਜੀ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਸੇ ਇਸਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸਕੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਮੀਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪੀਕ ਹੋਗੀ ਜੋ ਮੀਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਇਸਨੇ ਹਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਨਾ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਸਕੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਪੱਠ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਲੋ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪੱਠ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਵੀ ਮੀਨ ਕੇ ਨਾਗਰਾ ਕਲਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਇਹਦੀ ਸਿੰਗੀ ਸੁੰਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਠ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਹੀ ਬੱਕਰਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਸੂਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਐਸ ਪੱਠ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਐਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੱਚਾ ਝੋਲਾ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤੋ ਅਵੇ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੈ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੇ ਜੋ ਰੇਟਸ ਹੈ ਵੋ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਏਗੀ ਜਾਂ ਸੂੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਈ 4 ਲੀਟਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਚ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈ ਤੀਸਰਾ ਗੰਦੇ ਚ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕਾ ਔਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾ ਆਪਕੋ ਮਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ੇ ਆਪਕੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਇਨਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਆ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਮੀਨ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਜੋ ਮੀਨ ਕੇ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੇ ਕਿ ਵੋ ਦੋਗਲੇ ਥੇ ਉਨਸੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਥਾ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਅੱਛਾ ਦੇਤੀ ਥੀ ਔਰ ਉਨਕੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਤੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਹੋਗਾ ਆਪ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾਗਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾ ਪੜਦਾ ਜੀ ਪੜ ਸੋਈ ਹੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੀਨ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨਾਗਰੇ ਕਲਰ 'ਚ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਬਾਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ 3 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੇਗੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ 2 ਠੀਕ ਹੈ
इसकी वजह बेसिकली आप रमज़ान भाई से मिलकर अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं ना तो मैं आपको रेवड़ इसलिए दिखाता हूँ कि आप रेवड़ वाला बंदा होता ना तो उससे एक दो या तीन अच्छी मिन के नग ले लिया करें, उनको मिन के अपनी दोगली या ब्रीड मिक्स के साथ ना उन्हें यूटिलाइज़ किया करें, उन्हें इस्तेमाल किया करें। आहिस्ता आहिस्ता अगर आपके पास मिन के लो क्वालिटी में माल होगा तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ना अच्छा बन जाएगा। रेवड़ वालों की वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद ये होता है कि लोग ज़्यादा इनके पसंद करते हैं रेवड़ों को, ठीक है। मंडी में भी हर बंदे वीडियो बना रहा है तो मैं बेसिकली रेवड़ों की बनाता हूँ, इनके कुछ नया और डिफरेंट कर रहे हैं हम। तो आप इनके रेवड़ से एक दो नग खरीद सकते हैं और मैं आपको ये चीज़। अच्छा रमज़ान भाई जरा माल हों हूँ देखो ना, अभी चल के आए फर्ज किया जानवर लैन, इतने रेट ज़्यादा होएगा या मंडी रेट ज़्यादा होएगा? ठीक है ठीक नहीं ताड़े तो सर मैंने पता ना ताड़ी तो एक दो वीडियो आ चुकी हैं, दोस्तों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, मैं ताड़े को ता एक क्वेश्चन किया, ठीक हो गया सर। और मैं भी माल से चलने कोई पत्थर वगैरह या कोई होर जानवर माशाल्लाह जी, ठीक है जी। उम्र कितनी होनी है? तीन महीने आदि, ठीक हो गया रमजान भाई, ठीक हो चलो अगे चलो। व्यूअर्स रमज़ान भाई से इनके वीडियो बनाने का वैसे मकसद तो यही था कि काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि हमने चराई के लिए जानवर छोड़ना है तो आप रमज़ान भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बंदा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, कादराबाद इनका एड्रेस है, आप फुली इनके कर सकते हैं, इनसे डिटेल इनकी हासिल कर सकते हैं, इनसे ख़ुद बात करके, या अगर आप इनसे कहेंगे ना कि भाई मैं लाहौर से हूँ तो मुझे लाहौर से कोई बंदा प्रोवाइड करें जो आपकी मीन की गवाही दे या जो भी होगा, तो सेटिस्फेक्शन के तौर पर ये आपको लाहौर का बंदा या आपका अपना मीन के लाहौर का बंदा या जिस इलाके से आप होंगे वहाँ से एक बंदा दे देंगे जो आपको कहेगा ये बंदा बिल्कुल ना एतमाद वाला है। अच्छा रमज़ान भाई अभी खीरी पट, ठीक है सर। इन्हें जो आप जानवर दिखा रहे हैं मीन के आप बेसिकली अपना काम बकरियाँ का आप सेल सूल करके अपना कारोबार चलाना होंगे तो बच्चों को सेल भी हो सकते हैं, नहीं इन्हों की रेंज भी ज़्यादा कीमत भी ज़्यादा होगी। तो अच्छा रमजान भाई आप बकरी सूई नहीं है जे निकी टैडी? नहीं फिलहाल ये नहीं, ठीक है सर। तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी चेक करवा चुका हूँ, करूँगा भाई माशाल्लाह बकरियाँ ठीक ने, अच्छा माल है। तो वो जो आप वीडियो बनाई थी उस तो बाद आपने कितने के जानवर सेल होए ने जी? आपने होगा 10-12 जानवर सेल हो, 10-12 दोगली ब्रीड से? हां दोगली सारे सेल हो गए, तो बस आई मीन के थोड़े बहुत रह गए, ठीक हो गए रमजान भाई। तो व्यूअर्स बीतल में भी ये सेल कर सकते हैं, मैं आपको ना ये चेक करें इनका ब्रीडर, ये इनका मीन के जो सान होता है ना वो है, और ये इनके पास पट्टे वगैरह हैं, ठीक है। मीन के हर किस्म का रमजान भाई के पास माल है, ये वो कहते हैं कि व्यापारी नहीं लेकिन बेसिकली रेवड़ वाले हैं लेकिन सेल भी करते हैं। अच्छा रमजान भाई पट्टे कद माशाल्लाह ठीक है, ये क्रॉस हुई कभी या नहीं हुई? नहीं हुई, फ्रेश चीज़ है, कद होर भी कट सकती माशाल्लाह अगर कोई शौक ना बंदा मीन के नहीं सेवा करे तो, अजय भी ठीक है। और परली सर परली की है माशाल्लाह जी, इनके कान अच्छे है जी, ठीक है। रमजान भाई एक खाली है कि या क्रॉस हुई? ठीक हो गया सर रमजान भाई, चलो वीडियो आप एंड करने, माल तारा माशाल्लाह सोना से चेक कराता दोस्तों। तो रमजान भाई अपने इलाके का मैं पूछा कि मैं हर वीडियो पूछना तेरे को पहले ही पूछ चुके हैं। अच्छा अपने हूँ कोल कहड़ा बंदा रहेगा जी आप वीडियो नहीं बनाई जिंद को माल सही मेरे को थोड़ा ही हो जो थोड़ा बहुत सही पिया हो? अपने एक दो मुंडे रह गए, अली हो गया, हाँ जी असलम मुंडा वारफान हो गया, दो चार मुंडे रह गए, ठीक हो गया सही जानवर जिन्हें सोना माल, हाँ सोने माल आ गए। चलो ठीक है दोस्तों दिखावा क्योंकि माल च ना एक दो चीज़ा कुछ मीन क्या जी वी बकरी है हूँ इन वर्गी माल चोर तो कोई नहीं ना है, हाँ हाँ वो मैं तारी गल बिल्कुल समझना तंग ना करिए जानवर इदा ये वो तंग ना करे, हाँ शौक वाले जानवर शौक ना कोई लेगा शौक ना, ठीक हो गया ठीक हो गया। मीन के सेल वाले की वीडियो पहले अपनी आ चुकी है, उनका मैं लिंक आप ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन से, तो यह हम वेखो ना इन्हें वर्गी चीज़ तो मीन के पूरा माल तो नहीं ना इदा का होना, बिल्कुल बिल्कुल। रेवड़ दिखाने का मकसद ये होंगे कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ दोस्तों दिखा दिया करिए क्योंकि रेवड़ अच्छी चीज़ें दो तीन होंगे बाकी एवरेज क्वालिटी है मीन के एक थोड़ी लो क्वालिटी ने सारिया एक तो होंगे ने। तो चलो मेरे पास वीडियो एंड करते हैं इंशाल्लाह, जिन भाइयों का रमजान भाई ने नाम लिया ना उनके पास भी जाएंगे, अगर उनके पास कुछ सेल वाला शौक वाला अच्छी चीज़ होगी इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ दिखाएंगे हम। बेसिकली हमारा शौक ही है कि आपको अच्छी चीज़ दिखाना, और कीमत वगैरह ये मैं बंदे का नंबर आपको हमेशा लेके देता हूँ, अगर कोई बता देता है तब तो मैं ऐड कर देता हूँ, अगर नहीं बताता तो आप उनसे खुद रब्ता करना पड़ता है आपको, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ पूछने की, रमजान भाई ने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। तो चलो वीडियो एंड करते हैं,
उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इस किस्म की अच्छी शौक वाली इन्फॉर्मेटिव और सेल वाली वीडियो लेके आते रहेगा। चलें वीडियो एंड करते हैं सर।